नव निर्वाचित सरपंच छोटे विश्वकर्मा का अटैक से निधन हो गया। निधन के कारण क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। देवरी कला गौरझमर जिले की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली पंचायत में आज मातम छाया हुआ है। पंचायत में पदस्थ नव निर्वाचित सरपंच छोटे विश्वकर्मा जो लगभग 40 वर्ष के थे, उन्होंने गौरझमर पंचायत में ऐतिहासिक जीत हासिल कर इतिहास बनाया है। वहीं उन्होंने 3 तारीख को शपथ लेकर पंचायत का कार्यभार संभाल लिया था और वह लगभग 14 दिन के सरपंच रहे। बुधवार की सुबह हृदय गति रुक जाने से सभी नगर वासियों को छोड़कर चले गए। पूरे नगर में एक मातम सा छा गया और जैसे ही लोगों को जानकारी लगी तो वह उनके घर पहुंचने लगे और ताला लगाकर अस्पताल के पास बने हुए मुक्ति धाम में लगभग 5,000 लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि एवं अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार छोटे विश्वकर्मा पिछले करीब 10 वर्षों से ग्राम पंचायत गौरझामर में पंच एवं समाज सेवी का कार्य करते थे और इस बार पंचायत चुनाव में लोगों की सहमति से सरपंच का चुनाव लड़ाया गया, जिसमें छोटे विश्वकर्मा को भारी बहुमतों से विजय बनाया गया और नव निर्वाचित चुनाव 3 अगस्त को सरपंच पद की शपथ ली। स्वर्गीय छोटे विश्वकर्मा सरपंच का दिल का दौरा पड़ने से बुधवार की सुबह निधन हो गया। स्वर्गीय सरपंच के साथ साथ जनहित के काम में सदैव तत्पर रहने वाले युवा व्यक्ति थे। वह अपने क्षेत्र की प्रत्येक छोटे मोटे गतिविधियों में आगे आकर कार्य का नेतृत्व करते थे। अगर गाँव में कोई भी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो या 13वीं या गांव में धार्मिक कार्यक्रम हुआ, गरीबों की मदद के लिए स्वर्गीय छोटे विश्वकर्मा का योगदान हमेशा रहता था। लोगों के दिलों में राज कहने वाले छोटे विश्वकर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, जिसको लेकर ग्राम में एक शोक की लहर छा गई है। पूरा गांव इस घटना से दुखी नजर आ रहा है। लोगों की आंखें नम हो गईं। सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। छोटे विश्वकर्मा भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। गौरझामर नगर के इतिहास में पहली बार किसी की अंतिम यात्रा में इतने लोग शामिल हुए। कई बुजुर्गों ने इस बात को बताया कि हमने गौरझामर के कई आदमियों की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन ऐसा जन सैलाब पहली बार देखा है। इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता पाना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। सरपंच छोटे विश्वकर्मा द्वारा गांव के हर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर हमेशा तत्पर खड़े रहते थे। अनाथ लोगों की अंतिम संस्कार की विधि में तन मन और धन से हमेशा मदद करते थे। ऐसे व्यक्ति का चला जाना गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी अभी तो उनको पंचायत का प्रभार लिए हुए कम ही दिन हुए थे। पंचायत की तस्वीर बदलने लगी थी, लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई, जो वो दुनिया को छोड़ के चले गए।